मुस्लिम लीग ने जिना साहब के बाद उन्होंने कभी भी अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन नहीं किया। मुस्लिम लीग ने जिना साहब के बाद उन्होंने कभी भी अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन नहीं किया। जमात इस्लामी ने खिलाफ हमने किया, जमात उलमा ने किया, मदनी साहब जेल गए, मदनी साहब की फैमिली सावर का साथ जी के साथ काला पानी में थे, वो लोग जी ने माफी मांगी, उन्होंने माफी मांगी। अंग्रेज लोगों ने घबराकर इस देश में हिंदू और मुसलमानों के अंदर झगड़ा कराने का एक रणनीति तय करी, फूट डालो और राज करो। ये ब्रिटिश हुकूमत का एक राजनीतिक हथियार था और उसी कारण उन्होंने मुस्लिम लीग का गठन करवाया, जमात इस्लामी का गठन करवाया, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद का उन्होंने हिंदू महासभा का उन्होंने गठन करवाया।